नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस पे कुछ अच्छा काम करने वाली हूँ। जो सोच रही हूँ, मैं भी एक अपना प्लांट को बोनसाई बनाने की, तो आप लोग से थोड़ा मैं काम जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, इसलिए करते हुए थोड़ा वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ आपको। कुछ फ्लावरिंग तो अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, और ये देखिए कबूतर पिजन ठंड से बेचारा पूरा मैं सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही वीडियो बना रही थी, और थोड़ा सोची कि काम कर लेती हूँ। बस ये पिजन दिखा मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब पंख फैला कर बैठा हुआ है ठंड से बेचारे। ये देखते ही मैं थोड़ा नज़दीक जाती हूँ तो देखती हूँ क्या हाल होता है। रुक जाएगा शायद, उड़ जाएगा। चलो अपना है, अब मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरा कटिंग, जेड प्लांट्स को मैं बोनसाई बनाने के लिए किस तरह कटिंग कर रही हूँ। मैं पहले इसे रूट काफ़ी फैल रहा था, एक बार तो कभी हो नहीं रहा था, जब भी लगाती थी तो गल जाता था, और अब है जो ज़्यादा पेड़ की तरह मतलब हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों की मैं वीडियो देखी जिसमें मुझे बोनसाई की तरह लगा, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसको बोनसाई बनाने का। कटिंग कर देती हूँ अभी, और जो जो कटिंग होगा मैं दूसरे पॉट में उसे लगा लूँगी। पहले कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग होने के बाद अब इसकी जो भी बचे हुए हैं जो डाल वो थ्रो नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे पॉट में जो है उसमें लगा देंगे। और इसका बोनसाई बनाने का अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे किस तरह बनते जाएगा, कौन कौन सा खाद डालते हैं। ये तो इसमें तो ज़्यादातर गार्डन सॉइल और जो भी है खाद हमारे पास जो होममेड बनाते हैं उसे ही डाल देंगे। और ज़्यादा इसका केयरिंग का तो वही है, जो इसे धूप बहुत पसंद है, जो फर्स्ट बार हमारे वीडियो देख रहे होंगे उन्हें बता दें कि इस प्लांट्स को लगाने के लिए इन्हें समर सीजन में, समर मतलब धूप बहुत पसंद है इसे। आप इंडोर प्लांट तो है पर इंडोर में ही नहीं रख सकते इसको, इसको धूप जहाँ हो वहीं रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी सॉइल ज़्यादातर मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट्स को गला देगा। तो जब सॉइल सूख जाए, गीला सूख जाए मतलब पानी इसमें ख़त्म हो जाए, तभी पानी डालिए। पानी नाम मात्र का कि जो आपका सॉइल है जो गीला रहे, बस ज़्यादा नहीं कि टपके पानी, उसमें आपका ये प्लांट है जो गल सकता है।
बस इतना ही ध्यान देना है और इसका केयरिंग यही है। और मैं अभी तो जितनी कटिंग है मैं अभी ज़्यादा लगाऊंगी सारे पॉट में तो लंबा वीडियो चल जाएगा आपका समय ना लेते हुए। बस इतना ही है, केयरिंग पे ध्यान दीजिए। जब भी जेट प्लांट लगाइए तो इसे धूप में ही रखे, ठंड में धूप में ज़रूर रखे और गर्मी में तो रहता ही है धूप में, चारों अंदर भी रहता है तो कोई बात नहीं, पर ठंड में धूप ज़रूर दिखाइए इसको, तो आपका प्लांट ये ज़रूर सर्वाइव करेगा और अच्छा सा ग्रो करेगा।